Hello everyone, my name is Charan. I am last year, final year student of Kawardhano Balkarian State University and I am currently studying in university in Nalchik. तो आज की वीडियो नॉर्मली मैं जनरली बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स का मैंने एडमिशन कराया था वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी नालचिक सिटी में पढ़ रहे हैं. मैंने एक्चुअली उनकी शॉर्ट्स वीडियो शूट की है एज अ इंटरव्यू. आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देखना कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कैसे हुआ, प्रोसेस कैसे हुआ, आप देख सकते हो सारी चीज़ें. उसके अलावा मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ. कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट होंगे 20 जून से, उससे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे मार्च से और मे बी फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे. यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हो. जिसको जो अभी तक मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं वो लोग फिर तक का वेट करें तब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको पता ही है ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, 2,19,000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस है अभी करंटली. बाकी उसके अलावा मैं आपको एक सीनियर से मिलाना चाहूँगा, फिफ्थ ईयर के सीनियर से जो जिसका नाम प्रसन्न सलवार है. मैं आपसे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछूंगा. प्लीज़ प्रसन्न सलवार. या हेलो. हेलो, आपका नाम? मेरा नाम प्रसून सालवार. आप कौन सी ईयर में हो? मैं फिफ्थ ईयर में हूँ. फिफ्थ ईयर में आपको ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताऊँ? मैं यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ओवरऑल यहाँ का मौसम वेदर सब अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और सब इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, अच्छा है यहाँ पर. अभी तक पिछले 6 साल में आपको यूनिवर्सिटी में, पिछले 5 साल में कैसा लगा यूनिवर्सिटी के बारे में, सिटी के बारे में, यहाँ की लोकेलिटी के बारे में? ओवरऑल तो यहाँ की लोकेलिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी अच्छे हैं और यहाँ के यूनिवर्सिटी का स्टाफ मेम्बर भी अच्छा हेल्पफुल है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर. और पिछले 5 साल में कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली? पिछले 5 साल में ये है कि आप अगर पढ़ते नहीं हैं तो ओवर आपके यानी मार्क्स कम हो सकते हैं, तो ये है कि आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है. देखो वो तो जनरल सी चीज़ है, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, अगर किसी को 3 चांस से भी ज़्यादा, यूनिवर्सिटी एक्चुअली 3 चांस देती है पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आप सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हो तो ऑफकोर्स इंडिया में भी सेम ही चीज़ है. आप यूनिवर्सिटी में किसी में भी अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो वो प्रॉब्लम आपको भी फेस करने को मिल सकती है, इंडिया के अंदर या रसिया के अंदर या किसी भी कंट्री में आप जाते हो. तो मैं इस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ पर्सन. आप और यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? और कोऑपरेटिव है यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव है. ओके, यहाँ के लोग अच्छे हैं? यहाँ के भी लोग अच्छे हैं. तो हॉस्टल कैंपस के बारे में कुछ कहोगे? हॉस्टल अच्छा है, बहुत अच्छा है, पूरी सुविधाएं हैं, पानी, गर्म पानी ऑल टाइम मिलता है और क्लीननेस बहुत अच्छा है. आप कितने रूममेट हो? मैं 2 रूममेट हूँ. 2 रूममेट? हाँ. तो रूममेट से रिलेटेड कुछ बच्चों का क्वेश्चन था मेरे पास कि भैया हमको सिंगल सीटर चाहिए या डबल सीटर चाहिए. देखो सिंगल सीटर किसी भी हॉस्टल में अवेलेबल नहीं होता है, डबल सीटर ही अवेलेबल होता है. डबल सीटर या 3 सीटर या 4 सीटर ही मिल सकता है स्टूडेंट्स को, लेकिन सिंगल सीटर किसी को भी नहीं मिलता कवारदिनों के अंदर. आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी, उसमें सिर्फ वो सारी चीज़ें अफवाह थी, कोई सिंगल सीटर किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलता है. थैंक यू सो मच प्रसून, अच्छा लगा आप आए. थैंक यू. देखा आपने कि फिफ्थ ईयर के एक सीनियर ने जो मेरे से एक 1 ईयर जूनियर है उन्होंने कैसा रिव्यू दिया. बाकी मेरे जो मेरा ओपिनियन है यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है वो कवारदिनो है. बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है कवारदिनो में सीट लेना. तो मैं चाहता हूं कि कोई भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप पहली प्रायोरिटी अगर कवारदिनो रखते तो आपको फरवरी से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि सीट मिलना यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते हो. थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में.